Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the subject of economics, and we are going to discuss module wise discuss karne wale hai about the various points which are important from your exam point of view, or हर मॉड्यूल वाइज जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. अब कॉमर्स पेपर 4 का पेपर आपका कैसे था मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट आपके जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम मॉड्यूल वाइज बात करें तो हम ये मॉड्यूल के बेसिस पे किस बेस पे पढ़ना है हमें. मॉड्यूल नंबर 1 अगर हम देखें तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी इज द मॉड्यूल नंबर 1. उसमें अगर हम देखें तो किस बेस पे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर पब्लिक गुड्स के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर हम उसके रिलेटेड डिटेल बात करें तो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर मीनिंग है या स्कोप है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर डाल्टन एंड मसग्रेव व्यूज के ऊपर प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस है, उसके लिमिटेशंस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पब्लिक फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, उसमें ही डाल्टन और मसग्रेव व्यूज है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंगली, बिकॉज यू विल गेट 3 क्वेश्चन एंड यू नीड टू सॉल्व द 2 क्वेश्चन एज कंसर्न. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 3 पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हम यहाँ ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या पेपर में पूछा जाएगा, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो एग्जामिनर किस बेस पे किस पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हो. सो पब्लिक फाइनेंस प्रॉपरली पढ़ के रखें, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है उसको ध्यान से पढ़ के रखें, फिर पब्लिक गुड्स के बारे में भी पढ़ के रखें, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो जैसे कंसेप्ट ऑफ पब्लिक गुड्स है, रोल ऑफ गवर्नमेंट है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मॉड्यूल नंबर 1 में आपको क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अकॉर्डिंगली 2 क्वेश्चन इसी के बेस पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मॉड्यूल नंबर 1 में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं है, सो आप इन चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे तो आपको एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में आप इजीली आंसर कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव 1 क्वेश्चन इन ऑप्शन एंड 2 क्वेश्चंस में 3 में से आपको 2 सॉल्व करना 2 लिखना है. तो अभी हम मॉड्यूल नंबर 2 की बात करते हैं. मॉड्यूल नंबर 2 जो है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन पब्लिक रेवेन्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और काफ़ी इजी मॉड्यूल है, बिकॉज इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड है. सो अगर हम पब्लिक रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट के जो सोर्सेस है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो है उसके बारे में भी आप पढ़ के रखें. एक क्वेश्चन तो टैक्स के ऊपर फिक्स होने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ के रखें, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, जो टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो पढ़ के रखें, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में पढ़ के रखें. तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है. तो ओवरऑल अगर हम टैक्स से रिलेटेड बात देखें तो एक पॉइंट टैक्स के ऊपर क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा, फिर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड द नेक्स्ट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंड एंटी इन्फ्लेशनरी नेचर ऑफ टैक्सेशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो अगर हम ओवरऑल देखें इस मॉड्यूल में तो पब्लिक रेवेन्यू मॉड्यूल का नाम है, मतलब गवर्नमेंट के जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है, जैसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट के लिए, टैक्सेशन, तो टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ओवरऑल आप इसी बेस पे इस मॉड्यूल नंबर 2 को प्रिपेयर करें और टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखें, बिकॉज टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें आंसर करने के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. तो ओवरऑल इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर या रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंड एंटी इन्फ्लेशनरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो मॉड्यूल नंबर 3 की बात करते हैं. मॉड्यूल नंबर 3 इज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पब्लिक डेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं. देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे उसके थियोरीज है, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर
के जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स है, पब्लिक स्पेंडिंग है उसके बारे में पढ़ के रखे, कॉशस फिर कॉजेस फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ उसके बारे में पढ़ के रखे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, एक पब्लिक डेब्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है पब्लिक डेट का, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है पब्लिक डेट है, फिस्कल सॉल्वेंसी है, उस पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट मॉड्यूल का नाम ही है, तो एक क्वेश्चन आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर से आएगा, एक क्वेश्चन आपको पब्लिक डेट से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दैट कैन बी रिलेटेड टू योर लो इनकम सपोर्ट एंड सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स एज कंसर्न, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम तीन की बात करें तो तीन तो आप सॉल्व तो सिर्फ दो ही करना है, तो ओवरऑल अगर देखें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर है एंड पब्लिक डेब्ट है, ये दो क्वेश्चंस, दो टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी पढ़ के रखे, पब्लिक डेब्ट है वो भी पढ़ के रखे, एज वेल एज पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो भी आप पढ़ सकते हैं, सो दैट आपके क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मॉड्यूल नंबर फोर की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर फोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज फिस्कल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, FRBM एक्ट जो है, FRBM एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशन जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे FRBM एक्ट है, फिस्कल फेडरलिज्म है, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर आ सकता है, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर भी आ सकता है, और जैसे बजट के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि डेफिसिट जो कंसेप्ट है बजट का, फिर मीनिंग का, मीनिंग ऑफ द बजट, कंसेप्ट ऑफ बजट या टाइप्स ऑफ बजट, फिर जो स्ट्रक्चर है हमारे यूनियन बजट का उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बजट मैनेजमेंट एक्ट का वो पढ़ के रखे, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इन मॉड्यूल नंबर फोर। दैट्स इट, दिस इज दी ओवरऑल पार्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, काफी सारे पॉइंट्स है इकोनॉमिक्स में, तो प्रॉपर प्रिपेयर करें बिकॉज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। अब सभी चीज़ों पे फोकस करें, ऐसे नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसी पे करें, बट स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इससे फायदा हो रहा है, तो दैट इज द पॉइंट। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।